गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और सुबह सुबह हो गई हूँ मैं रेडी। और मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। एक्चुअली आज मेरा अल्ट्रासाउंड है जो कि डॉक्टर ने आज के दिन को लिखा था। और आज मैंने ये वाली ड्रेस पहनी हुई है और आपको थोड़ा सा शो कर रही हूँ, हंसी भी आ रही है तो मैंने ये पहनी है और हल्का हल्का सा पेट दिखता भी है। अब दिखता है, पहले भी दिखता था थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन अभी और थोड़ा सा और दिखता है। तो बस निकलने वाली हूँ। आज के दिन लिखा था अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। टीफा बोलते हैं इस अल्ट्रासाउंड को जो मैं कराने जा रही हूँ। और ये है आद्या जो कि रेडी हो चुकी है, कैप वैप लगा के एकदम पैक करके, जूते वगैरह पहनकर उतर रही है नीचे। और आप सभी को पता है सेकंड फ्लोर में रहती हूँ मैं, तो सीढ़ियाँ तो उतरना चढ़ना पड़ता ही है, लेकिन मैं बहुत कम चढ़ती हूँ। आप लोग के बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि दीदी केयर करिएगा, आप सीढ़ियाँ ठीक से चढ़िएगा, और सीढ़ी आप सेकेंड फ्लोर में रहती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना थोड़ा मुश्किल होता है। जी हाँ, मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे करके मैनेज कर लेती हूँ और बहुत कम उतरती हूँ मैं। एंड थैंक यू सो मच। तो ये है रास्ते का व्यू जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पास में एक गार्डन है और पार्क है, तो बस क्यों ना आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दिया जाए। हम लोग पहुंच चुके हैं अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, तो थोड़ी देर में ही हमारा नंबर आने वाला है। एक्चुअली लाइन लग जाती है जब तक। फिलहाल तो आज संडे है और संडे वाले दिन यहाँ पर अल्ट्रासाउंड के का मतलब जो डे होता है वो उसमें दिन कम लोग होते हैं, तो कम ही है, तीन तीन दो लोग, दो तीन लोगों के बाद मेरा नंबर है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। मैं घर से तो चली आई थी, घर में किचन में दूध बॉयल करने के लिए रखाई थी जो कि मैं गैस ऑन करके छोड़ाई, भूल गई। ऐसा कभी कभी हो जाता है हड़बड़ी में, तो वो मैं भूल गई थी। तो मैं घर से फोन आया कि धुआं सा उठ रहा है, ओनर का, कि धुआं सा उठ रहा है, आपने भगोना रख दिया तब भूल गए और दूध जल रहा है। तो मेरे हस्बैंड गए, गैस बंद किया, फिर से ताला लगाया, फिर से आए वापस, तो वो गुस्सा हो गए थे। तो हम लोग घर वापस आ गए हैं, अल्ट्रासाउंड हो गया है, रिपोर्ट हमारी आ चुकी है। आध्या सो रही है, हस्बैंड जी सो रहे हैं, इसलिए मैं बात नहीं कर रही हूँ आपसे, वरना अभी तो ना मैं बक 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 कर रही होती आप सबसे, लेकिन वो सो रहे हैं तो मैं सोचा चलो सोने देते हैं। तो ये मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, शाम को मिलती हूँ आपसे, ओके, और रिपोर्ट भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए शाम का टाइम है और आ गई हूँ मैं चाय बनाने। दोपहर का खाना वगैरह उन्होंने कर लिया था और तो मैंने वो शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ, क्योंकि वहां से आने के बाद मैं काफी थक गई थी और इसलिए मैंने कैमरा नहीं लगाया। तो ये है शाम की चाय, तो फटाफट आज पी लीजिएगा शाम की चाय, अदरक वाली। आप लोग बोलेंगे कि अदरक वाली चाय मतलब आप चाय कम पिया कीजिए इस टाइम, लेकिन मैं दो ही टाइम चाय पीती हूँ। एक्चुअली मुझे ना चाय बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ज्यादा नहीं, सिर्फ दो टाइम। तो यहाँ पे मैं चाय है वो अदरक वाली बना रही हूँ, तो आ जाइए फटाफट पी लीजिएगा। और मैं बनाऊंगी हरी मटर, फ्राई करूंगी। तो जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, मुझे मटर ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हस्बैंड की खुशी के लिए बनाती हूँ और हस्बैंड की खुशी के लिए दो चार दाने मैं खा लेती हूँ। तो हरी मिर्च मैं बना रही हूँ एकदम मेरी सासू माँ के स्टाइल का। तो इसमें मैंने अदरक कूटा था पहले, फिर मैंने अभी इसी में हरी मिर्ची कट कर ली है, अब इनको भी पीस लूंगी और थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूंगी। और आप चाहे तो इसमें हरा धनिया भी कूट सकते हैं, मैं तो भूल गई। तो यहाँ पे मैं अच्छे से बारीक कूट लूंगी और इसको कूट के एकदम बारीक पेस्ट सा बना लूंगी और उसके बाद मैं मटर को फ्राई करूंगी।
यहाँ पे हमारी मटर है वो रेडी हो चुकी है और वाकई में खाने में टेस्टी थी, सॉफ्ट हो गई है एकदम। और इस एक बार इस तरीके से बनाकर ट्राई जरूर कीजिएगा। कुछ भी नहीं है, हरी मिर्ची और नमक है। आप इसमें चाहे तो काली मिर्ची का पाउडर डाल सकते हैं, अगर और तीखा खाना चाहे तो थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड कर देंगे, इससे ना टेस्ट और बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे रेडी है, चाय ले लेंगे, हस्बैंड को दे के आते हैं सबसे पहले, फिर बाद में मैं अपने लिए थोड़ी सी ले लूंगी। ओके, तो चलिए आप लोग एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, अगर इस तरीके से बनाते हैं तो मुझे लिख के जरूर बताइएगा। के बाद यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड बातें कर रहे हैं, कुछ डिस्कस भी कर रहे हैं कि अब रात को डिनर में क्या बनेगा। एक्चुअली ना रोज ये का रूटीन रहता है, क्या बनाऊ खाने में, क्या बनाऊ खाने। फिलहाल तब तो सब्जियां अच्छी अच्छी आने लगी हैं, तो मटर रखी हुई थी, पनीर रखा हुआ था, तो मैं सोचा चलो मटर पनीर बना लेते हैं। तो वही मैं इनसे बातें करी जा रही हूँ और पूछती जा रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा कैमरा भी ऑन कर लिया और इनको नहीं मतलब दिखाया मैंने, वैसे भी ये कैमरे में बहुत कम आते हैं इसलिए मैंने नहीं दिखाया। तो बस वही मैं इनसे बातें करती जा रही हूँ और आध्या भी यहीं बैठी हुई है, थोड़ा पेन वेन लेकर हाथ पैर हाथों में ना ड्रॉ कर रही है, तो उससे भी मैं बोल रही हूँ। और यहाँ भी मैं अपने बाल देख रही हूँ कि मैंने जब कटिंग करवाई थी तब ये बाल छोटे से थे, इतने बड़े हो गए कि पहले कान के पीछे थोड़ा ऑलमोस्ट आ जाते थे, अब तो बहुत लंबे हो गए। तो फिलहाल तो इस टाइम तो नहीं कटवाऊंगी बाल, और डिलीवरी के बाद ही बाल कटवाऊंगी मैं। नहीं कटवाए जाते, आप लोग बताना बाल कटवाए जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे कि नहीं, वैसे नहीं कटवाए जाते। तो मैं आ गई हूँ किचन में अपना मटर पनीर बनाने, तो कढ़ाई में ऑयल डालूंगी मैं और सारी तैयारी करके रख ली है, क्योंकि क्या 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 मैं दिखाती हूँ सब कुछ एक एक चीज, तो मैं सब कुछ तैयारी कर लेती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो प्याज है वो पीस के रख लिया है, टमाटर और हरी मिर्ची पीस के रख लिए, और ये देखिए सरसों का ऑयल में हींग डाल दिया है, उसके बाद डालेंगे जीरा और उसके बाद मैं इसमें ये प्याज वगैरह डाल दूंगी। एक्चुअली ना मैं भूल गई थी, इससे पहले मुझे डालना था ये दालचीनी, जावित्री और लौंग, काली मिर्ची। कभी कभी मैं प्याज के साथ ही पीस देती हूँ, कभी कभी खड़े डाल देती हूँ, तो आज मैंने खड़े डाले हैं। आप चाहें तो प्याज के साथ में पीस के डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं मसाले डाल दूंगी, मतलब लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर एंड धनिया पाउडर, और इसको पका लेंगे। हल्का सा ऑयल छोड़ने लगेगा मसाला, तो हम इसमें डाल दें तो समझ जाएंगे प्याज हमारा है वो भुन गया है। फिर इसमें हम डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी एकदम रेड नहीं दिखेगी मेरी, क्योंकि वो थोड़ा सा ग्रीन टमाटो है, टमाटर जो है वो ग्रीन है, तो इसमें डाल दिया है। और साथ में मैंने हरी मिर्ची भी पीसी, इसलिए और कलर इसका रेड नहीं हो पाता पूरी तरीके से। अब इसको भी 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे कि टमाटर भी अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए टमाटर पक गया है, इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है और बस इसको चला कर थोड़ी देर और पका लेंगे ताकि थोड़ा सा लगने लगे कि हाँ ऑयल सा अलग हो गया है। तो ये देखिए ऑयल सा अलग होने लगा है। अब इसमें डालेंगे मटर और मटर को पका लेंगे अकॉर्डिंग टू अपनी ग्रेवी। ऐड करेंगे इसमें पानी, जितना आप ग्रेवी खाना पसंद करते हैं। जैसे मुझे ना पनीर की सब्जी ना थोड़ी सी गाढ़ी ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं थोड़ा कम डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं ज़्यादा कम। तो ये देखिए ढक के पका लिया है और मटर सॉफ्ट हो चुकी है, मैंने इसको दबा कर भी देख लिया है, बहुत गर्म है ना इसीलिए। तो बस इसमें ऐड कर देंगे ये पनीर। बहुत से लोग पनीर को फ्राई करके ऐड करते हैं, कुछ लोग कच्चा ऐड करते हैं, तो मैं आप एक कच्चा पनीर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग फ्राई करके भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डाल देंगे एंड देन गार्निश, और हमारा जो मटर पनीर अच्छे से कौला दिया है बनके रेडी है। तो जल्दी ले आ जाइएगा ना गर्म गर्म मटर पनीर और रोटी खाने के लिए, हमारा डिनर है रेडी। तो बस आप लोगों का है इंतजार, थोड़ा सा डाल दिया है गर्म मसाला और बस धनिया ऊपर से और डाल देंगे, गैस को बंद कर दिया है, ढककर रख देंगे। वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, और खाना बन चुका है मेरा, इतनी देर में आपसे बात कर रही हूँ, और मटर पनीर बनाई थी आज मैंने, अच्छी बनी थी, खाने में भी टेस्टी थी। काफ़ी टाइम बाद खाना कोई चीज़ तो ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे तो मुझे
मटर अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ऐसे मटर पनीर के साथ में खा ली है ना तो अच्छी लग रही थी। और मेरा जो आज अल्ट्रासाउंड हुआ था वो मिल गया है, लेकिन डॉक्टर को जब दिखाऊंगी ना तब पता चलेगा। आज संडे है, डॉक्टर आज के दिन नहीं बैठती है, इस वजह से कल दिखाने जाएंगे। फ्रेंड यहाँ पे आवाज थोड़ी सी कम हो गई थी, तो इसलिए मैं सोचा था वॉइस ओवर डाल दूँ। तो यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ, ये कह रही हूँ आपसे कि एक्चुअली ना बहुत कमेंट, एक नहीं दो नहीं, आई थिंक सबसे ज्यादा कमेंट यही आता है। एक तो पहले विश किया जाता है मुझे, तो इसलिए तहे दिल से शुक्रिया। और मेरी हेल्थ की केयर की जाती है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद मुझसे यही कहा जाता है कि आपको देख के लगता है कि बेटा होगा आपको। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि कैसे पता चलता है कि मतलब मुझे बेटा होगा या बेटी, आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, मुझे नहीं पता है। और वैसे मेरी एक बेटी है, और मेरी नजरों में और मेरी फैमिली के नजरों में मतलब बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं है, तो इसलिए ऐसा नहीं सोचते हैं हम लोग। लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि ऐसे क्या चीज देखते हो आप मुझ में, या क्या चीज से गेस करते हो कि मुझे बेटा ही होगा, तो एक बार जरूर बताइएगा। वैसे ऐसी कोई फीलिंग्स या ऐसी कोई भावना नहीं है हमारे अंदर, और आई थिंक किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए। बेटी हो या बेटा, दोनों ही अच्छे होते हैं। तो बस यही बोल रही हूँ आप लोगों से, तो प्लीज मुझे बताइएगा कि ऐसा क्या देख लिया है या किस तरीके से गेस करते हैं, तो मुझे जरूर बताइएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।